पहली खबर आ रही है इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां इंडिया वर्ल्ड का फूड बास्केट नाम से नवाजा गया है। जहां 2020-21 में 42 बिलियन का खेत उत्पादक निर्यात होते थे, वहां अब 20% बढ़कर 50.2 बिलियन डॉलर हो गए हैं, वो भी लॉजिस्टिक शॉर्टेज और वॉर जैसे हर्डल को सामना करते हुए। कृषि उत्पादक जैसे कि चावल, चीनी, गेहूं और अन्य उत्पादक में अब तक उच्चतम स्तर पर निर्यात हुए हैं और उसके साथ ही नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जिसमें गेहूं का निर्यात में लगभग 4 गुना वृद्धि, चावल की वैश्विक बाजार में लगभग 50% भारत की हिस्सेदारी और उसके साथ साथ समुद्री उत्पादों, कॉफी और मसालों में भी निर्यात की वृद्धि हुई है। अगली खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से, जहां यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा नेचुरल फार्मिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनोग्रेट किया गया है। नेचुरल फार्मिंग का अवेयरनेस के लेकर मास्टर ट्रेनर द्वारा 750 अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे और उससे 30,000 विलेज के फार्मर तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी और उससे आशा है कि नेचुरल फार्मिंग का व्याप और विस्तार दोनों बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है गेहूं का रिकॉर्ड प्रोडक्शन को लेकर, गेहूं का इस साल बम्पर हार्वेस्ट किया गया है और लगातार 6 साल से देश में सरप्लस गेहूं प्रोडक्शन हो रहा है। देश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 111.32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो देश में चल रहे फूड वेलफेयर प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड गेहूं 25 मिलियन टन से बहुत ज्यादा है और यूक्रेन और रशिया वॉर में एंगेज है, जो गेहूं का सबसे बड़े निर्यातित देश है। इस वजह से इंडियन गेहूं का ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ गया है और इंडिया इस डिमांड को पूरी करने की पूरी क्षमता भी रखता है। अगली खबर आ रही है ऑयल सीड में बढ़ती प्रोडक्शन को लेकर, ऑयल सीड में क्रॉप मतलब कि 9 सीस्टर क्रॉप, जिसके दाने में ऑयल की मात्रा ज्यादा रहती है, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, मस्टर्ड, इन सभी उस पाकों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। 2018-19 से 2021-22 इन 3 सालों में लगभग 6 मिलियन जितना प्रोडक्शन बढ़ा है। सरकार द्वारा 2018-19 में लाई गई नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड एंड ऑयल पंप स्कीम की सफलता मिल रही है और उसका प्रभाव क्रॉप प्रोडक्शन के रूप में दिख रहा है। अगली खबर आ रही है एग्रीकल्चर में मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च के बारे में, जो खेती गाड़ी नाम कंपनी द्वारा फ्री एप्लीकेशन तौर पर लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को 50 एग्रोनॉमिक्स एक्सपर्ट टीम द्वारा सलाह और मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन खेती में हो रहे प्रॉब्लम को साइंटिफिक सॉल्यूशन से दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम रखा है खेती गुरु। इस एप्लीकेशन से फसलों को समस्या पर विश्लेषण से तुरंत टिप्पणी प्राप्त कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन से फोटो अपलोड करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। खेती गुरु एप्लीकेशन से आशा करते हैं कि फार्मर को ये मददगार होगी। अगली खबर आ रही है इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड से, जो निशान केमिकल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर जापानीज पर्यटन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला प्रोडक्ट है सिंधुआ एंड सेकंड प्रोडक्ट है इजू। सिंधुआ पेस्टिसाइड में पैटर्न टेक्नोलॉजी वाला कीटनाशक है, जिसमें फ्लुक्सामेटामाइड 10% ईसी को एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहा है, जो बैंगन, भिंडी, मिर्च, गोभी जैसे फसलों में आने वाले सुंडिया और थ्रिप्स दोनों को नुकसान से बचा जा सकता है। इसका प्रयोग एक एकड़ में 160 मिली प्रति 150-200 लीटर पानी में कीट आने से पूर्व और शुरुआत के आक्रमण के टाइम पर छिड़काव किया जाए तो कीटक से हम बचा सकते हैं। दूसरी प्रोडक्ट है इसुजी, जो फंजीसाइड है, जिसमें कसुगामाइसिन 6% प्लस थाइफ्लुजामिडा 20% दोनों को मिश्र करके बनाया गया है। अगर ये फंजीसाइड राइस फसल में आने वाले प्लास्ट और सीड ब्लाइट डिसीज के सामने प्रयोग किया जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है।